हेलो फ्रेंड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का चीला। बहुत ही टेस्टी बनाए थे, इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी देखने के बाद अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ चीला बनाने के लिए पहले हम लौकी को अच्छे से छील लेंगे। तो यहाँ हम लौकी को अच्छे से छील लिए हैं, अब हम इसे धो लेंगे। तो यहाँ हम लौकी धो के एक यहाँ प्लेट ले लिए हैं। अब हम लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ हम लौकी को कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पोहा को, एक छोटा कटोरी के करीब पोहा लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से पानी इसमें डाल के 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट में ही पोहा अच्छे से फूल जाता है। अब हम यहाँ लिए हैं एक छोटा कटोरी सूजी। इसमें भी हम पानी रख के इसे भी 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ सूजी मेरा हल्का फूल गया है, पोहा भी अच्छे से फूल गया है। अब हम पोहा को क्या करेंगे, एक पानी से धो लेंगे। यहाँ हम एक मिक्सर जार लिए हैं, अब हम इसमें पोहा धो के डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये फुलाया हुआ सूजी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ हम अच्छे से इसका पेस्ट बना लिए। अभी थोड़ा सा पतला है, लौकी डालेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। तब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ लौकी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का में हम तेल लिए हैं और जीरा, राई और करी पत्ता का यहाँ हम तड़का लगा लिए हैं। यहाँ हम ले लिए हैं प्याज और हरी मिर्च। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ हम एक तवा लिए हैं, तो तवा भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे ताकि चिपके ना। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा देंगे। अब हम इसमें इस तरीके से चीला बनाएंगे। ये हम छोटा छोटा ही बना रहे हैं। एक साइड हो गया है, अब हम इसे अच्छे से पलट देंगे। तो इस तरीके से बनाइएगा चीला, और लौकी का बहुत ही टेस्टी बनता है, सबको बहुत पसंद आया, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।